Anif, where do you stay? Close no. by? Don't even ask. Really? It's really very Okay. How far? Only Central Line. My god, and you come all the way. Baikala is one of the Central Line. Ready? Yeah, ready. Okay. Needs. Ready, sir. Sorry. मैं बैठ जाता पहले इंसान की तरह हम खाना खा के लेजी हो गए थैंक यू इंडोनेशियन यूजर्स ओके सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन एंड जुलम कांग्रेचुलेशन थैंक यू कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है एंड क्या कहना चाहेंगे क्या फील कर रहे हैं इस टाइम वेल बहुत अच्छी फीलिंग है एक अलग सा एक्नॉलेजमेंट है इनक्रेजमेंट है और एक ऐसी भाषा की फिल्म के लिए जो बहुत लोगों ने इस भाषा को सुना भी नहीं है तो हमारे रीजन से आती है बिहार की 5 भाषाएं हैं भोजपुरी मैथिली मगही अंगिका वाजिका और उसमें से ये मैथिली है जिसकी हिस्ट्री और कल्चर बहुत ही रिच रही है तो बहुत खुशी है कि आज ये एक्नॉलेजमेंट मिला है और आगे भी वी विल ट्राई एंड स्टैंड बाय आवर रूट्स सो दैट हम लोग और भी फिल्में बना सकें का अभी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है इस अवार्ड के साथ क्योंकि आइडिया ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम फिल्में अपनी भाषा में और उस जगह पे जाके बनाएं ताकि लोकल लोगों को भी काम मिल सके क्योंकि सिनेमा से क्या होता है कि धीरे धीरे एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए जैसे मुंबई के अंदर भी लाखों लाखों लोग हैं ऐसे जिनको फिल्म की वजह से काम मिला हुआ है तो कोशिश है कि और भी जाएं वहाँ और काम करें किस तरीके की फिल्म है ये जानना चाहूँगा कि क्या स्टोरी है ये फिक्शन है बेसिकली प्योर फिक्शन है और बंदा है जो कि कनाडा में रहता है और बहुत सालों बाद अपने गांव आया किसी काम से और तब गांव की हालत देखता है और फिर फैमिली का कुछ उसको पता चलता है कि उसके दादाजी काम करते थे उनकी कंपनी बंद हो गई थी 30-35 साल पहले तो वो कैसे फिर उसको शुरू करता है कहानी उसके बारे में है एंड आपने प्रोड्यूस भी करी है एक्टर एंड प्रोड्यूसर सो क्या अलग एक्सपीरियंस रहा मैंने एक्ट नहीं किया है इस फिल्म में सिर्फ प्रोड्यूस किया है और एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब एक सर्टेन बजट में एक बहुत ही रिच कल्चर की अमेजिंग स्टोरी को प्रोड्यूस करना होता है तो कोशिश रहती है कि वो वैसा दिखे और उसको अच्छी तरह से उसे नेटवर्क हो सके लोग जान सके उसे तो बहुत सारी यू नो रिस्क फैक्टर्स रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही है बट आई थिंक कि फाइनली जब हमें पता होता है कि कंटेंट अच्छा है तो हम 100% अपना लगाते हैं और बेस्ट वे में उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं वही की है क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको डिटेलिंग तो राइटर बताएंगे डिटेलिंग कल्चरली काफ़ी काम करना पड़ा क्योंकि मिथिला का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर मतलब वहाँ पर जैसे पान है या मखाना है या उनके पोखर हैं या उनकी मिथिला पेंटिंग्स हैं वहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम्स हैं ये सब हमने यूज़ किया है जैसे अब जो फीमेल उसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं शी इज़ अ पेंटर तो आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना होगा या उसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं तो वो उसकी पेंटर है तो वो पेंटिंग दिखानी थी हमें तो वो सब पेंटिंग बनवाया हम लोगों ने जैसे भारती दयाल एक बहुत बड़ी पेंटर है उनसे हम मैंने कुछ पेंटिंग्स ली फिर एक्ट्रेस को थोड़ा सा सिखाया गया कि भाई ऐसे करना ये करना उसके बाद फिर उनका एक अपना एक अटायर है जो मैंने अभी नेशनल अवार्ड में पहना भी था तो उसके ऊपर काम हुआ कि वो किस तरह से पहना जाता तो इस तरह की डिटेलिंग तो काफ़ी की स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने इसका फिल्म का जो टाइटल है मिथिला मखान हाँ तो इसका क्या मतलब इसका थोड़ा मतलब मिथिला जगह का नाम है मिथिला जो आपको पता है मिथिलांचल या मिथिला कहते हैं सीता जी वहाँ की थी तो और मैथिली जो है वो सीता जी का एक दूसरा नाम भी है और मखाना जो आपने कभी खाया होगा सफ़ेद रंग का होता है छोटा सा तो लोकल लोग उसको मखान बोलते हैं तो मिथिला मखान एक्चुअली फिल्म के अंदर वो जो हीरो जो कंपनी शुरू करता है उसका नाम है मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड जो कि उसके दादाजी की कंपनी थी पहले जो बंद हो गई थी तो मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड से हमने प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया सिर्फ मिथिला मखान रहने दिया इस फिल्म में तो बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि ऑथेंटिकली मुझे इस फिल्म में नहीं होना चाहिए था क्योंकि जिस भाषा की ये फिल्म है वो मेरी मातृभाषा नहीं है मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और इस फिल्म में तो जो कास्ट है वही होना चाहिए था सो जो लोग ऑथेंटिकली बोल सके जैसे मैं तो मैथिली नहीं बोल सकती हूँ लेकिन एज फार एज
जनरल एक्टिंग इज़ कंसर्न, मैं थिएटर करती रही हूँ और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो सकती कि थिएटर स्टेज पे मैं 2 घंटे लाइव एक्ट करती हूँ और वो करती रही हूँ। और अगली फिल्म में मौका मिल रहा है मुझे हिंदी फिल्म करने का, तो उसमें एक्ट करूँगी। तो इसमें आपको लगा कि कुछ एक गेस्ट अपीयरेंस करना चाहिए, कैमियो करना चाहिए, छोटा सा कुछ भी? जब कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो ना तो इन सब की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो कभी कभी जब आइटम सॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है या तो, और या पब्लिसिटी के लिए होती है, इसमें दोनों की ज़रूरत नहीं थी। एंड क्या फिल्म की स्टोरी सुन के या कॉन्सेप्ट सुन के क्या आपको लगा कि हाँ यार ये फिल्म अब तो करनी करनी है? हाँ तो किया ना, इसलिए तो प्रोड्यूस तो किया। क्या मतलब, ऐसा क्या सोचा मतलब आपने? क्योंकि कंटेंट ही इतनी इम्पोर्टेंट थी, स्ट्रांग थी, ऊपर से हमारे रूट्स से आती है और इस भाषा से। विद्यापति समारोह आपने सुना होगा, विद्यापति जी का एक बहुत ही बड़ा नाम है इस कल्चर से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी देसवा, जो इट वेंट टू 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सब भोजपुरी फिल्म, एक शायद मात्र फिल्म होगी जो बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर कैन वॉच टुगेदर इन भोजपुरी। तो रूट्स से रहने की आदत रही है, मैंने स्पोर्ट्स में भी हमेशा बिहार को ही रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए इस तरह की जब स्टोरीज आती हैं तो तुम्हें लगता है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अभी आप मतलब प्रोड्यूसिंग भी ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं कि एक्टिंग भी ज़्यादा कम करेंगे? नहीं, मैं तो दोनों ही कर रही हूँ और दोनों करके बहुत स्ट्रांग फील होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा लगता है कि घर में यू हैव अ नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर एंड आई एम नाउ अ नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो हम दोनों का एक स्ट्रेंथ है, जो अच्छी स्टोरीज आएंगी और किसी भी भाषा में हम करेंगे। हम लोग को तो बहुत खुशी होगी अगर हम मराठी फिल्म करें या गुजराती फिल्म करें या साउथ इंडियन फिल्म्स करें। स्टोरीज, जैसे कि नितिन ऑलवेज सेज की स्टोरीज तुम्हें ढूंढ लेती हैं, तुम कभी स्टोरीज नहीं ढूंढ सकते हो। तो आई थिंक ये स्टोरी थी जो जिसने हमें ढूंढ लिया कि हमारे थ्रू वो बाहर आई और नेशनल अवार्ड मिला। तो दिस इज़ हाउ वी गोइंग डू एंड आई एम कॉन्स्टेंटली एक्टिंग। हिंदी में नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी ग्रीक इंग्लिश फिल्म ख़त्म की है, थिएटर हिंदी में थिएटर कर रही हूँ, तमिल फिल्म किया है डबल रोल में, सो इंग्लिश में किया है, सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। 2 हिंदी रेडी है रिलीज़ के लिए, सो व्हेनेवर इट रिलीज। नितिन, कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, कब आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोशिश है सेप्टेम्बर अक्टूबर की हमारी, मानसून के बाद। तो कुछ स्टूडियो से बात चल रही है, इन्वेस्टर से बात चल रही है, तो उसमें काफ़ी काम रहता है, मार्केटिंग वगैरह प्रमोशन बहुत रहेगा। क्योंकि हालांकि फिल्म का मार्केट जो है, ऑडियंस हिंदी जैसा नहीं है कि बहुत सारे स्टेट्स में आपको जाना है, लेकिन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेपाल, बनारस, NCR, बॉम्बे सर्किट, ये हमारा कोर मार्केट है। तो इन सब जगह पर उसकी तैयारी चल रही है कि हमारा म्यूज़िक कब जाए। एंड क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इंडस्ट्री से, क्या लोग कह रहे हैं? लोग सब अच्छा कह रहे हैं। ट्रेलर जो YouTube पे हमारा ट्रेलर एकदम हिट है, और जिन लोगों ने देखा है बहुत उसके बारे में लिखा है, बातें की हैं, शेयर किया है लोगों ने। मिथिला मखान का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी कई हज़ार लोग हैं, तो स्टूडियोज़ भी सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिल्म बनाते वक्त सोचा था कि एक्सपेक्ट किया था कि हाँ यार कि नेशनल अवार्ड मिलेगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो ऐसा कौन सोचता है ऐसा एक्सपेक्ट रियली? हम लोगों को बस ये था कि अच्छी फिल्म बन जाए, बहुत हाँ है। जो सोच के जो पेपर पे लिखा है इतने महीनों, बस वो आप निकाल लीजिए, बाकी अवार्ड तो ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो। एंड आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऐसा तो कोई सोचता नहीं, आई थिंक हम लोग मतलब इतने टफ टाइम से गुजर रहे थे इस फिल्म को, क्योंकि जब बिहार में फिल्म शूट करनी थी वो माहौल नहीं है, लोगों को आदत नहीं है, तो यू नो प्रोफेशनलिज्म तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई प्रोफेशन भी है जिसमें ऐसी चीज़ों बहुत सारी चीज़ों के साथ खड़े होकर शूट करवाना और सारी। और जब ये लोग कैनेडा में शूट कर रहे थे तो -35 degrees था, एंड वेन दे केम शूटिंग इन बिहार इट वॉज 40 degrees। सो यू सी द ड्रास्टिक चेंज। तो ये सारी चीज़ों में खड़े होना और वो सब करने में ही हम बस कोशिश कर रहे थे कि वो जो लाइन लिखी हुई है वही लाइन उतर जाए स्क्रीन पे, वही बहुत इम्पोर्टेंट था। ये इस पे ध्यान रहता है और बहुत मतलब यू नो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि इससे इतनी तवज्जो मिली है और इसको देख कर और सारे लोग भी आके फिल्में बनाते रहेंगे। कितनी मुश्किल है आपके लिए जर्नी? फिल्म बनाना मुश्किल था, शूटिंग काफ़ी उसका टायरिंग था, क्योंकि हम वहाँ जो शूट कर रहे थे तो -35 degree था टेम्परेचर, मतलब बहुत ही डेंजरस था, वो लाइफ थ्रेटनिंग था। और जब हम यहाँ शूट कर रहे थे तो 45-40 degree टेम्परेचर था, वो भी लाइफ, और ऊपर से हाँ वो भी बहुत मुश्किल था, कई लोग तो मतलब एकदम मूर्छित हो गए थे वहाँ पे। तो और दूसरा ये भी था कि हमारे पास उतना उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी कि वो
मतलब हमारे पास वैनिटी वैन्स हैं और एकदम हमेशा वैसा है, चार पांच स्पॉट बॉयज़ हैं तो तुरंत मंगा लिया। रहने का कुछ अच्छा होटल कुछ भी नहीं था, बस एक था पागलपन था, और फिर उस पागलपन में काम हो गया वरना नहीं होता। कैरेक्टर्स ढूंढने में कितना टाइम लगा, कि कैसे सोचा, कि कैसे डिसाइड करें? कैरेक्टर्स मतलब एक्टर्स ढूंढने में, हाँ, कास्टिंग मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एक्टर्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत है वहाँ पे, लेकिन वही है कि एकदम जिसे होता ना अनगढ़ हीरा है वहाँ पे लोग, तो फिर वहाँ पे चार पांच लोग जो जिनको हायर किया था वो सब जगह ऑडिशन कर रहे हैं, 100 150 200 लोग आ रहे हैं अलग अलग उम्र के, फिर उसमें से छांटा कि हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसको फिर से ऑडिशन करो। तो ऐसे चार पांच राउंड का ऑडिशन चला अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग को, कभी कोई पटना आया, कोई दरभंगा आया, मधुबनी में, और फिर जब उसमें से सब फाइनल हो गया तब हमने, फिर मैं वहाँ 1 महीने पहले चला गया था, फिर उनका वर्कशॉप किया, उनको रोज़ बुला के जहाँ हम लोग रुके हुए थे उनका वर्कशॉप करवाया, रीडिंग करवाया, तब जाके थोड़ा थोड़ा एक्टिंग हुआ। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मतलब ये बिहार और रांची की ऐसी पहली फिल्म है जिसको नेशनल झारखंड अवार्ड में, झारखंड की, करेक्ट, इसको जिसको पहली, नेशनल अवार्ड हाँ, मिला है, तो कितना प्राउड फील होता है कि यार कि मतलब रिकॉर्ड ये तोड़ वी दिया। मेड हिस्ट्री, वी मेड हिस्ट्री, तो प्राउड तो फील हो गया ही, पर यू नो हम बस कोशिश ये प्राउड फीलिंग और ये हिस्ट्री बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, तो कोशिश ये है कि आगे करते रहें। एंड आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, नहीं, प्राइड तो है ही इस चीज़ को लेके, और मैं चाहूँगा कि और भी लोग आएँ। हम लोग तो ठीक है नॉन मैथिल लोग हैं, जैसे मैथिली में नेशनल अवार्ड, लेकिन अब कुछ मैथिल लोग भी आएँ और भोजपुरी वाले लोग भी आएँ, वो भी बनाएँ और अवार्ड लें और ऑडियंस बनाएँ। अवार्ड लेना तो चलिए ठीक है, अवार्ड देने वाले एक बॉडी है, उनको अच्छा लगता है वो देते हैं, नहीं अच्छा लगता नहीं देते हैं, लेकिन यह उसके अलावा ये तो चलिए ठीक है, मतलब एक अवार्ड मिला, लेकिन आने वाले 25 30 सालों तक ऐसा कुछ होता रहे, जैसे मराठी फिल्मों को 60 अवार्ड मिल चुके हैं, बंगाली सिनेमा को 80 बार मिला है, तो हम तो पहली बार ही हैं, तो अभी कुछ नहीं सोच सकते हैं, बस अभी बनाते रहना है फिल्म, जब भी मौका मिले बना पाए। एंड आने आने वाले वक्त में मतलब और क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, थोड़ा बताइए एक इसके बारे तो में। जो लड़ाकू मार्शल आर्ट वाली फिल्म है, उसके अलावा ज़्यादातर मेरा ध्यान अभी, मैं एक बैलून नाम की एक फिल्म लिख रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म है, मतलब 40 मिनट की फिल्म होगी भोजपुरी में, उसके अलावा मेरी भोजपुरी में और दूसरी फिल्में भी हैं, मैथिली के अंदर मैं और भी सोच रहा हूँ, मैं संथाली भी सोच रहा हूँ जो झारखंड की जो मेन भाषा है, अवधी में भी कुछ बन जाए, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो रूट लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, इनमें जब अच्छा काम होने लगेगा तो फिर हिंदी सिनेमा को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। सर दोनों में कितना फ़र्क समझते हैं, मतलब एक कॉमर्शियल सिनेमा भी और एक रीजनल लैंग्वेज में कितना फ़र्क होता है, कितनी देखिए, मुश्किल? रीजनल लैंग्वेज का जो सिनेमा है वो कमर्शियली है, बाहुबली अगर आपने जो तमिल जो तेलुगु बाहुबली है वो भी उतना ही बिजनेस कर रही है, जो साउथ में जो फिल्में बन रही हैं जो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयाली या सैराट ने अभी कितना है 12 करोड़ का बिजनेस किया, तो कमर्शियली है ये भी, हिंदी से ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, तो सो आई थिंक यही इट्स टुडे इट्स अबाउट अ गुड सिनेमा और अ बैड सिनेमा, वो रीजनल आर्ट कमर्शियल थिंग आई है। थिंक खत्म हो चुका है। एंड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? लड़ाकू इज माई ओनली प्रोजेक्ट आई कैन टॉक अबाउट राइट नाउ, और तो कोई फिल्म अभी नहीं है, सिर्फ यही फिल्म है, और सिर्फ जितनी फिल्में हैं वो मैंने आपको बताई कि रेडी हैं रिलीज के लिए। जो रिलीज के लिए एंड आगे चलकर प्रोड्यूस भी करने वाले हैं फिल्म, अब मौका मिलेगा, मौका दिया जाएगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू।